हेलो दोस्तों, गेटी जी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एसी एनालिसिस के ट्रिक देखेंगे, क्योंकि एसी एनालिसिस कम टाइम में एग्ज़ाम में सोल्व करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो और इसके मार्केट में ट्रिक है तो हम लोगों को जानना चाहिए। जितने सारे ट्रिक है, अगर आपके पास पता है तो आप कॉन्फिडेंस है और उसी से आप क्रैक कर दीजिएगा, एज़ पर माई एक्सपीरियंस। ठीक है, सो लास्ट वीडियो में इसी का बनाया था, इनपुट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो वहाँ पे विजिबिलिटी एंड साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं थी, सो उस वीडियो को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो कि दोबारा आप लोग देखें कि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। ये बेसिक समझ जाएंगे ना तो आप बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए मैं इस वीडियो को दोबारा बना रहा हूँ। देखिए, अगर भी इन हम इधर दिए, आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि व्हाट इज़ द इनपुट रेसिस्टेंस, तो आप अगर इनपुट मतलब इनपुट से देखेंगे, बस आपको देखना है किधर से देखना है, ये आप है सोचिए। ठीक है, इनपुट से बोला गया तो आप इनपुट से देखेंगे, इनपुट से देख रहे हैं, इधर से देखेंगे, जब भी बेस से देखेंगे ना तो हम लोगों को आर पाई आएगा इनपुट रेसिस्टेंस। क्यों? क्योंकि अगर अगर आपके साथ ये बोला गया, ये दो रेसिस्टेंस दिया गया आर वन आर टू, और बोला गया व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फ्रॉम लुकिंग फ्रॉम हेयर, सब कुछ है, तो आप क्या कीजिएगा, आर वन आर टू पैरेलल बोल दीजिएगा। अगर सारे ट्रांजिस्टर को अगर हम रेसिस्टेंस की तरह रिप्लेस कर दें तो हम लोग उसका इक्विवेलेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। वही रूल मैं कंसेप्ट यहाँ पे बताऊंगा। एक्चुअली मैं पहले भी बोला था, एनालॉग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, सो मैं काफ़ी वर्कआउट इस पर किया हूँ, बहुत सारे ट्रिक भी बनाया हूँ, जो कि आप लोगों को एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो देखिए, अगर मैं इधर से देखूंगा, ये इधर से देखेगा, हेलो विजेटी, अगर इधर से लुक कर रहा है तो उसको क्या मिलेगा, बोलेगा ये फेस करेगा आर पाई को। ओके, सो इनपुट रेसिस्टेंस, इस ट्रांजिस्टर को हम एक रेसिस्टेंस की तरह रिप्लेस कर सकते हैं आर पाई। ओके, ये बेसिक। लेकिन अगर हम इधर से देख रहे हैं, अपोजिट से देख रहे हैं, इसके इमीटर से देख रहे हैं, तो आर पाई ये नहीं देख पाएगा, ये 1/gm देखेगा। ठीक है ना, 1/gm अपोजिट से देखेंगे, 1/gm, ये पहला रूल है। ठीक है, सेकेंड रूल इधर आइए, इधर से देख रहे हैं और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो आर पाई, इधर से तो मैं देख रहा था यहाँ तक, तो आर पाई आ रहा था, आर पाई प्लस, ये सीरीज में है ना, सीरीज में, तो 1 प्लस बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर इन क्या हो जाएगा, आर पाई प्लस आर इंटू 1 प्लस बीटा। ठीक है, इधर से देख रहे हैं, इधर से देखिए, इधर से ये, दिस फेलो लुकिंग फ्रॉम बेस साइड। ओके, सो आर पाई प्लस आर इंटू 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई होता है एक फैक्टर। ठीक है, आर आउट जहाँ निकालेंगे ना, वहाँ 1 प्लस gm आर नॉट, ये मल्टीप्लाई कर होता है। दो चीज़ ध्यान रखिएगा, आर इन जब भी निकालेंगे तो 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई डिवाइड 1 प्लस बीटा विल प्ले द रोल इन फाइंडिंग आर आउट, 1 प्लस gm आर नॉट प्ले द वाइटल रोल। सो अगर हम अपोजिट से इधर से देखेंगे, भी इन इधर से दिए थे तो इधर से, अगर मान लीजिए भी इन इधर से देंगे तो क्या होगा, आर एल आर प्लस 1/gm, ये तो R होगा ना, इसके साथ 1/gm पहले आ रहा था तो वो सीरीज में हो गया, तो ऐड कर देंगे। ठीक है, दो रूल्स हो गए, इधर से देख रहे थे तो R पाई प्लस R इंटू 1 प्लस बीटा क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन अपोजिट से देखेंगे, इधर से देख लीजिए, अगर इधर से आ रहे हैं, ठीक है, तो R पाई, इधर से आएंगे तो 1/gm देखेगा ना, ये सीधा आ रहे थे तो R पाई, इधर से जाएंगे तो 1/gm प्लस आर है, आर डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा, बस यही आपको ध्यान रखना है, 1, 2, 3 और ये 4। कभी भी हमारा बीजेटी अगर ऐसा हुआ, ठीक है, बीजेटी ऐसा दिया हुआ, तो उसको 1/gm पैरेलल आर पाई रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसे आता है मैं नेक्स्ट वीडियो जब बेसिक्स बताऊंगा उसमें बताऊंगा, अभी आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, सो माइंड में रखिए, ओवरऑल आप लोगों को कंक्लूजन ही याद करना रहता है, तो ये याद कर लीजिए कि ऐसा होगा तो मैं ऐसे रिप्लेस कर दूंगी। ठीक है, ये हो गया, ऐसा रिप्लेस हो गया। अब देखिए, ये सब भी हो गया, आपको बस 5 रूल्स याद करने हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसका पहला क्वेश्चन, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन,
इधर से देख रहे हैं ना, आर इन भी इन इधर से दिया हुआ है, तो इधर से देखेंगे तो क्या, आर पाई प्लस आर ई इंटू 1 प्लस बीटा। 1 प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि आर ई आ गया ना, तो ये आंसर हो गया आर ई। इसका बोलिए इसका क्या, आर ई है भी इन इधर से दे रहे हैं, सेम हो जाएगा, हमको और किसी से मतलब नहीं है, हमको बस ग्राउंड जाना है, भी इंटू ग्राउंड, वी इंटू ग्राउंड। इधर से नहीं जा सकते ना क्योंकि इधर से हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि इधर का रेसिस्टेंस नहीं पता रहता है, इसलिए हम उसको टच ही नहीं करेंगे, इधर जाएंगे ही नहीं। ओके तो हम लोग ऐसे जाएंगे क्योंकि इधर का रेसिस्टेंस ही पता रहता है, तो इजी पाथ चुनेंगे ना जैसे भी हो। तो इसका क्या हो जाएगा, आर पाई प्लस आर ई इंटू 1 प्लस बीटा। ठीक है, इसका देखिए इसका क्या होगा, इसका बोलिए ये वाले क्वेश्चन का, इसका इधर से देख रहे हैं तो पहले इस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वी इन, ये आर वन, ये आर टू, ठीक है, आर वन आर टू ये हो गया, और फिर इधर से आपका आ जाएगा ये आर ई, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसका आर इन निकालना है, फाइंड आर इन। इसको मैं बेसिक से भी बताऊंगा, आर इन के लिए भी वी टी आई टी देते हैं, उसको मैं बेसिक से बताऊंगा, लेकिन अभी क्या है, अभी आपको ट्रिक्स बस समझना है। तो इधर से देखिए, इसको हम, इसको अगर आप हटा दें, इसको कोई रेसिस्टेंस पता चल गया तो आप बोल सकते हैं आर वन आर टू एंड जो आएगा वो आर थ्री पैरेलल में होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अभी आप लोग इधर से देख रहे हैं तो इसको सिर्फ क्या लिख सकते हैं, इस ट्रांजिस्टर को क्या लिख सकते हैं, आर पाई, इधर से देख रहे हैं, प्लस आर ई इंटू 1 प्लस बीटा इक्वल टू आर एल में लिख दिया। ठीक है, तो भी आर इन क्या हो गया, इनपुट में आपको क्या क्या रेसिस्टेंस मिला, ये भी इनकाउंटर हुआ, ये भी इनकाउंटर हुआ, ये भी इनकाउंटर हुआ, तो क्या हुआ, आर वन पैरेलल आर टू पैरेलल आर पाई प्लस आर ई इंटू 1 प्लस बीटा। ठीक है ना, तो ये आपका आर इन आंसर हो गया। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, आप लोग को देख के सॉल्व करना होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आर आउट के बारे में नहीं बताऊंगा कैसे फाइंड करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगा। अगर आपको वीडियो लाइक अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।